नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं रायगंज से, आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। 5 नंबर लोकसभा आसन यानी कि रायगंज लोकसभा आसन से देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं कार्तिक चंद्र पाल महाशय, वह जो है इस वक्त जो है कालियागंज के अपने बास भवन से निकल कर कालियागंज के काली मंदिर में जो है पूजा अर्चना करने के बाद सीधे आ पहुंचे हैं रायगंज, जहां पर हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर्मी समर्थक उनका इंतजार कर रहे थे। आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे कि आज जो है 5 नंबर लोकसभा आसन रायगंज लोकसभा आसन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कार्तिक चंद्रपाल महाशय नामांकन भरने वाले हैं, जिसको लेकर रायगंज शहर के ऊपर जो है एक बर्नाड्डो शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कर्मी समर्थक मौजूद थे। जिला के विभिन्न प्रांत से जो है कर्मी समर्थक मौजूद थे। सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं रायगंज शहर से, जहां पर इस वक्त देख पा रहे हैं कि रायगंज शहर के ऊपर जो है यहां पर बर्नाड्डो शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जहां पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में महिला कर्मी समर्थक भी मौजूद हैं। साथ ही साथ बताने की कोशिश करेंगे कि जो है आज 1 तारीख है और आज के दिन ही जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। कल 2 तारीख है, कल जो है तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी जो है कृष्ण कल्याणी वो भी जो है नामांकन करने वाले हैं। और इस वक्त सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं कि हुड खुला जो जीप होता है, गाड़ी होता है, उस गाड़ी के ऊपर कार्तिक चंद्र मंडल जो है खड़ा है, तथा इस वक्त जो है रास्ते के दोनों ओर हजारों की संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मी समर्थक है उन लोगों से हाथ मिला रहे हैं। लेकिन रायगंज जाने से पहले वह जो जब आज अपने बासभवन से निकले, उस वक्त जो है कालियागंज के काली मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद ही जो है वहां से निकले, तथा रायगंज आने के बाद कर्मी समर्थक के साथ पहले जो है भेंट करते हैं, तथा उसके बाद जो है नामांकन भरने के लिए डीएम ऑफिस की ओर रवाना देते हैं। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि रायगंज लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाके इस्लामपुर से लेकर कालियागंज हर इलाके से जो है भारतीय जनता पार्टी के कर्मी समर्थक आज रायगंज में जमा हुए थे, तथा आपको कह सकते हैं कि आने वाले 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव में कहीं ना कहीं रायगंज लोकसभा आसन से जो है भारतीय जनता पार्टी आज के इस नामांकन से एक तरह से कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि हजारों की संख्या में जो है यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कर्मी समर्थक मौजूद है। और एक तरह से कह सकते हैं पूरा रायगंज जो शहर है वह जो है गिरवामय हो चुका था। हर इलाके में जो है भारतीय जनता पार्टी के कर्मी समर्थक तिरंगा लेते हुए दिखाई दे रहे थे। सीधी तस्वीरें आप लोगों को दिखाने के लिए ले जाते हैं रायगंज से, आप लोगों को सीधी तस्वीरें दिखाने की कोशिश।